हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.13। तो देखिए इसमें क्या है, अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे दिया क्या है, एक क्यूब है। अब क्यूब की क्या खासियत होती है, इसके जो सारे साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, और वो दिया है सारे साइड्स हैं बी, ये साइड भी बी है, ये साइड भी बी है, ठीक है, यानी इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल है और जिसकी वैल्यू है बी। अब ये बोला है कि इसके वर्टेक्स पे देखिए 8 वर्टेक्स हैं, दिख रहे हैं, आठों पे चार्ज रखा है क्यू, और इन सभी के वजह से इसके सेंटर पे देखिए 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसको जो सेंटर में जो 3 डायमेंशनल जो स्पेस है उसका जो सेंटर होगा उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहली बात, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, देखिए ऊपर वाले जो चार्ज आपको दिख रहे हैं चार्ज, और नीचे वाले जो चार्ज दिख रहे हैं, इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर वालों का नीचे तरफ होगा, नीचे वालों का ऊपर की तरफ होगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो पूरे जो आठों की वजह से, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है और उनका आप कंपोनेंट निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी। तो एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल यहाँ पे जीरो नहीं होगा सेंटर पे, बिकॉज वो स्केलर क्वांटिटी वो सारी एडअप हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक के वजह से निकालेंगे यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, और ये जो सेंटर का जो पॉइंट है हर एक चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब निकल आएगा। तो आप क्या करें, तो सबसे पहले हमको पता करना है कि जो सेंटर वाला पॉइंट है किसी भी एक वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे है। तो इसको हम कैसे पता करते हैं, तो देखिए अगर क्यूबॉइड होता है, मान लेते हैं ये क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड का मतलब जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है, इसका कुछ लेंथ है कुछ ब्रेथ है कुछ हाइट है, अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसमें दो डायगोनल होते हैं, एक तो इसका फेस डायगोनल होता है, देखिए जो नीचे वाला आपको बेस दिख रहा है ना, ये इसका एक फेस है एक साइड का, ये होता है इसका फेस डायगोनल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। लेकिन अगर इसके नीचे वाले वर्टेक्स से ऊपर के पीछे वाले वर्टेक्स को जोड़ दो एक लाइन, तो दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो ये वाला जो है ये बॉडी डायगोनल है, और इस बॉडी डायगोनल का जो हाफ होगा वो यहां से इसके वर्टेक्स से डिस्टेंस होगा, यानी इस बॉडी डायगोनल का यदि हाफ डिस्टेंस आपने निकाल लिया, तो वही हर एक चार्ज का जो है सेंटर से डिस्टेंस होगा। तो ये जो बॉडी डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये बॉडी डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस केस में, क्यूब के केस में, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सभी इक्वल है, तो यहां पे हम कैसे निकाल लेंगे, तो इसके केस में क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट यहां पे दिया हुआ है बी, तो इसका क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा स्क्वायर रूट, और इसको आप लिखेंगे 3b स्क्वायर, और विल बी इक्वल टू रूट 3 इंटू बी, बी बाहर निकल जाएगा 3 रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ से यहाँ फुल बॉडी डायगोनल है ये, लेकिन सेंटर से जो इस चार्ज का डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल होगा। तो सेंटर से ये जो चार्जेस का डिस्टेंस है, मान लो ये r है, तो जो r की वैल्यू होगी इसकी हाफ होगी, तो हम लिखेंगे रूट 3b/2। तो ये जो डिस्टेंस होगा हर चार्ज का सेंटर से, इसका ये डिस्टेंस होगा। अब जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल विल बी 8 × V1, ठीक है, V1 मतलब एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसमें हम 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V विल बी इक्वल टू 8 × अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, ये होगा 1/4πε₀ × Q/R, और R की ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे √3b, और जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं 2 को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, क्लियर है। तो अब बस सिंपली हो गया आगे आपका आंसर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1/4πε₀, 2 एड जो हो गया 16, Q ऐसे ही रहेगा,
और डिनोमिनेटर में रूट थ्री बी। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो होगा जीरो।